जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे कि आप बड़ा आदमी बन जाए? अगर आप नौकरी कर रहे हैं और व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, या हम कोई अभी व्यापार कर रहे हैं तो इस व्यापार को और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या अभी हम एक कैसे छोटे तौर पर एक व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए, इस पूरे वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और इससे जान पाएंगे कि आपको कौन सा व्यापार आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ताकि आपको चीज़ें बहुत बारीकी में पता लग पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो भी आपको अच्छा लगे। साथ ही साथ अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अगर व्यापार आपको कोई सा करना है, आपके मन में ये प्रश्न सबसे पहले खड़ा हो रहा है, तो मुख्यतः एक चीज़ शुरू करें कि उस व्यापार को छोटे तौर पर करना शुरू कर दे, शुरुआत कर दे, छोटे तौर पर शुरू कर दे। देखिए, दो व्यापार, एक बड़ा व्यापार, एक छोटा व्यापार। तो कोई भी बड़ा व्यापार तक पहुंचने के लिए एक छोटा व्यापार जो आप एक आज से अभी से छोटे तौर पर करना शुरू कर दे, जैसे आप उसे शुरू करेंगे आपको आने वाले समय में वो एक बड़े परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम व्यापार कौन सा करें। जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठते तो अपने आसपास जो भी अच्छे ज्योतिषी हो उनसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करें और उसके बाद ही आप व्यापार में अग्रसर हो। चलिए मान लीजिए हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएँ, तो आप नीड से रिलेटेड, जो चीज़ें आपकी आवश्यकता से जुड़ी हुई है, मतलब आपकी नहीं लोगों की आवश्यकता से जुड़ी हुई आप चीज़ें, जैसे अनाज हो गया, कपड़े हो गया, कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप शायद कल्पना भी नहीं हम कर सकते, तो वो जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके व्यापार में आप जाएँ तो वो ज़्यादा परिणाम आपके लिए, आपकी राशि के लिए सकारात्मक रहेंगे, जो बहुत सी चीज़ें जो आपकी सही हो सकती हैं। लेकिन एक और बात इसमें मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली के एनालिसिस के बाद थोड़ा सा ये बात भी समझ आ जाता है कि हमें लग्जरी टाइप का करना है, निवेश किस तरह से करना है, हमें व्यापार को कहाँ पर स्थापित करना है, किस तरह से स्थापित करना है, ये सभी चीज़ों में उसमें एक ऑब्जर्वेशन मिल जाता है और उससे आप बहुत सी चीज़ें पता लग जाते हैं। लेकिन मैं अपने निजी तौर पर कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि व्यापार कोई भी करे, आप पहले से उसके बारे में बहुत अच्छा सा रिसर्च कर लें, समझ लें कि कैसे होगा, तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन कर लें, तो आपको उस व्यापार को करने में और ज़्यादा सहूलियत होगी और जो लोगों के अनुभव है उन अनुभव से हम सीखकर व्यापार को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा अपने पास रखें तभी आपका फ़ायदा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।